हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिंदी में प्रजनन। और बच्चों, इसको मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, प्रॉपर तरीके से इसका पीडीएफ नोट्स वगैरह ये आपको मिलेगा, और आपको उसी को नोट डाउन करके आपको अपने कॉपी में नोट्स बनाने हैं। और वो सफिशियंट अमाउंट, उसमें सब कुछ, सारे क्वेश्चन, सारी चीजें लिख दी गई हैं। बस आपको पढ़ना है, समझना है और आगे क्वेश्चंस राइज करने। जैसे भी अगर मेरे से कोई डाउट आता है आपको पढ़ाए हुए में, तो आप पूछिए। ठीक है, चलिए तो रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं, प्रजनन शुरू करते हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहले जब हम लोगों ने 6th चैप्टर पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस, तो उसमें हमने क्या देखा था बच्चों कि लाइफ प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि हमने देखा न्यूट्रिशन, मतलब जब भाई कोई भी इंसान जन्म लेता है, खाना खाता है, धीरे 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 ग्रोथ करता है और बड़ा हो जाता है। दूसरा, फिर क्या है भाई, खाना खा के ग्रोथ हो गया, बड़े हो गए। अगला अगला क्या है कि जब इस तरीके से ग्रोथ हो गई, बड़े हो गए, ये सब कुछ है, तो साथ ही साथ हमने रेस्पिरेशन भी किया, इससे भी हमने अपने अंदर एक नई ग्रोथ ली। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड वगैरह सर्कुलेट किया पूरी बॉडी में, ये सब भी देखा। फिर हमने जो खाना खाया उसको पचाया, बाहर निकाला बॉडी से, एक्सक्रीशन, तो ये हमने सब कुछ देख लिया। अब इन्हीं चीजों को में एक नई चीज जुड़ जाती है, रिप्रोडक्शन। तो क्या है रिप्रोडक्शन कि बच्चों, जब अपनी स्पीसीज को, अपनी जाति को प्रेजेंट में, एग्जिस्टेंस में बनाए रखने के लिए, एग्जिस्टेंस में बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अपने क्या भाई, स्पीसीज को, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये स्पीसीज नहीं है, ये जाति नहीं है, ये साइंस की भाषा में ह्यूमन एक अलग जाति है। ठीक है, जैसे एम्फीबियंस वगैरह कहते हैं, ठीक है, एक्वाटिक लाइफ वाले अलग हैं, एवीज अलग हैं, एवेरीज अलग हैं, ये जितने भी हैं भाई, ये सारे अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे इंसेक्ट की प्रजाति अलग है, ऑर्थोपोडाज अलग हैं, मोलास्का अलग हैं, एम्फीबियंस अलग हैं, ठीक है, मैमल्स अलग हैं, और ये एक्वाटिक लाइफ वाले जितने भी जीव हैं या ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग हैं। तो इस तरीके से अपनी अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं, कहाँ पे, एग्जिस्टेंस में, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब क्यों जरूरी है, तो मैंने इसका आंसर दे दिया कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, अपने स्पीसीज को एग्जिस्टेंस में बनाए रखने के लिए प्रजनन करना जरूरी है, रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, ये हमने सीखा। आगे बात आती है कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं ये। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल बोले तो लैंगिक और एक अलैंगिक। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन कौन से प्रजनन होते हैं भाई, लैंगिक प्रजनन वो प्रजनन होते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें मेल और फीमेल, नर और मादा, इन दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। दो अलग अलग बॉडीज होती हैं, इनका पार्टिसिपेशन होता है और इससे फॉर्म किए गए ऑर्गेनिज्म को बेबी या संतान कहते हैं। ठीक है, असेक्सुअल में क्या होता है, इसमें भाई कोई भी मेल फीमेल का पार्टिसिपेशन नहीं होता, किसी भी प्रकार की मेल फीमेल का पार्टिसिपेशन नहीं होता, नर का या मादा का कोई भी भागीदारी नहीं होती, भागीदारी नहीं होती इनके में। ठीक है जी, और इनसे जो भी यानी कि फॉर्म्ड होता है भाई, वो अलग अलग प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, तो असेक्सुअल में मल्टी टाइप्स ऑफ फंक्शंस दिखेंगे, क्या करने के, रिप्रोडक्शन करने के, जबकि इसमें एक ही फंक्शन दिखाई देगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेक्सुअल में सिर्फ एक ही होता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, एक ही प्रोसेस होता है किसी भी ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए, जबकि असेक्सुअल में मल्टी टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, क्या करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों, मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आपको पढ़ाने वाला हूं, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
ठीक। अब आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने आपको बता दिया जैसे जिसमें मेल और फीमेल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, जिसमें मेल और फीमेल का भाई क्या है होता, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो बच्चों अब जब इसमें कोई पार्टिसिपेशन होता नहीं तो पार्टिसिपेट करता कौन है और कैसे रिप्रोड्यूस करता है, आइए ये सीखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा जो बनता है वो बनता है फीजन। कौन सा बनता है? फीजन, या असेक्सुअल में हिंदी में कहते हैं इसको विखंडन। क्या कहते हैं? विखंडन, फीजन। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है, सभी को दिख रहा है? ठीक है। अब फीजन जो है, विखंडन जो है, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है बाइनरी फीजन, द्वि विखंडन। एक है मल्टीपल फीजन, मतलब बहुविखंडन। बहुविखंडन, द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक है जी। अब देखो द्विविखंडन बहुविखंडन में कैसे होएगा, कैसे करेंगे इसको एक एक करके। जैसे बाइनरी फीजन की अगर मैं बात करूं तो बाइनरी फीजन का नाम ये जो पड़ा है, ये इनके प्रोसेस के ऊपर पड़ा है। क्यों? क्योंकि जब बच्चों इसके अंदर फॉर्मेशन होएगी किसी एक नए सेल की, तो वो दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, दो में ही। बाइनरी मतलब दो, द्वि विखंडन मतलब दो, दो हिस्सों में बटेगा, इसलिए इसका नाम बाइनरी फीजन रखा गया। जैसे मैं एक डायग्राम लेता हूं, बाइनरी फीजन हम करेंगे अमीबा में। किसमें करेंगे? अमीबा में। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो फीजन होता है वो यूनिसेल्यूलर में होता है, सिंपल यूनिसेल्यूलर में होता है। किसमें होता है? सिंपल यूनिसेल्यूलर। और ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सरल एक कोशिकीय, सरल एक कोशिकीय। ठीक है, सरल एक कोशिकीय। ठीक है भाई, अमीबा, अमीबा कैसे कैसे करेगा रिप्रोड्यूस, आओ देखें। जैसे बच्चों किसी भी, अगर हम अपने में देखें, ह्यूमन में किसी भी इंसान की शादी कैसे होती है, जब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसके घर वाले फिर उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ जी अब ये घर संभालने लायक है, तो इसके क्या कर देनी चाहिए, शादी। इसी प्रकार से अमीबा का भी यही है कि जब ये अपने मैक्सिमम साइज पे पहुंचता है, अपने मैक्सिमम साइज पे पहुंचता है, तो क्या किया जाता है भाई, जब ये अपने मैक्सिमम साइज पे पहुंचता है, ठीक है, तो ये इसके नीचे है ये सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, और ये डॉट 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 लिक्विड जो है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। और ये जो है अंदर न्यूक्लियस, केंद्रक, इस तरीके से। अब होता क्या प्रोसेस है देखो एक एक करके। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस में आता है क्या कि अमीबा जब अपने मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाता है, तो सबसे पहले, अब इसे जब मैक्सिमम साइज में पहुंच जाता है तो ये फेवरेबल कंडीशन ढूंढता है, अपने लिए अनुकूल परिस्थिति ढूंढता है। और फेवरेबल कंडीशन ढूंढ के, अनुकूल परिस्थिति ढूंढ के, सबसे पहले ये अपने न्यूक्लियस को स्ट्रेच करता है। ठीक है, अभी भी ये रहेगा इतना ही बड़ा, बस अपने न्यूक्लियस को स्ट्रेच कर देगा। देख रहे हो, इसने न्यूक्लियस को क्या कर दिया भाई, स्ट्रेच कर दिया। ठीक, और जब स्ट्रेच कर देगा तो साइज में तो अभी भी इतना ही बड़ा है। ठीक है, अब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, अब जब ये स्ट्रेच कर देगा तो भाई जब स्ट्रेच करेगा किसको, न्यूक्लियस को, स्ट्रेच करने के बाद क्या कर देगा, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को भी अलग कर देगा। साइटोप्लाज्म को भी क्या कर देगा, स्ट्रेच करके अलग कर देगा, और इसके दो छोटे छोटे न्यूक्लियस इधर आ जाएंगे।
ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब भाई साइटोप्लाज्म को भी स्ट्रेच कर दिया गया, तो साइटोप्लाज्म भी जब स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, ये भी दो हिस्सों में बट जाएगा भाई, ये भी दो छोटे स्मॉल हिस्सों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ये लो जी, और इस तरीके से हमें एक बहुत बड़े अमीबा सेल से टू न्यू डॉटर सेल मिले, टू न्यू डॉटर सेल मिले, ठीक है। हिंदी में इसको कहेंगे दो नई संतति कोशिका, दो नई संतति कोशिका। तो इस प्रकार से बच्चों अमीबा के अंदर, जो कि एक सिंपल यूनिसेल्युलर है, सरल एक कोशिकीय है, उसके अंदर इस तरीके से फीजन होता है। और फीजन इसमें कैसा होता है, बाइनरी। क्यों? क्योंकि इसका एक हिस्सा कितने हिस्सों में बट गया है, दो हिस्सों में बट गया है, इसलिए इसको भाई क्या कहा जाता है, बाइनरी फीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, बाइनरी फीजन। अब इसे नोट करना चाहते हो तो जल्दी से उतार लो, फिर इसके बाद मल्टीपल फीजन आपको करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, मल्टीपल फीजन। चलिए अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल फीजन। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल फीजन, ठीक है जी, मल्टीपल फीजन। अब आओ जरा मल्टीपल फीजन भाई, ये भी यूनिसेल्यूलर होता है, कौन, मल्टीपल फीजन। ये भी क्या होता है, ये भी यूनिसेल्यूलर में होता है, हिंदी में बहु विखंडन। ठीक है, अब बात आती है कि बहु विखंडन है तो कैसे किया जाए। देखो आपको मैं दिखाता हूं, अब आपको इसके बारे में बताता हूं थोड़ा सा, चलो ये देखो क्या है बच्चों, ये है आपके पास एक प्रकार का प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है बच्चों आपके पास, प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ का कौन सा पार्ट है, ये प्लाज्मोडियम, ठीक है, हिंदी में भी प्लाज्मोडियम ही कहते हैं बच्चों। ये प्लाज्मोडियम कहां पाया जाता है, मलेरिया वगैरह के मच्छरों में पाया जाता है। जो एक बार किसी इंसान को अगर काट ले मच्छर, तो वो मलेरिया का शिकार हो जाता है, किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से, क्योंकि वो आपके प्लाज्मा पे बहुत तगड़ा अटैक करता है और आपके प्लेटलेट्स को खत्म कर देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्लाज्मोडियम। और बच्चों इस तरीके से जब हम इसे अगर देखें, तो प्रोटोजोआ का एक पार्ट है ये प्लाज्मोडियम, जो किसी की बॉडी में जाके मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे शिकार पैदा करता है। अब आखिरकार होता क्या है, क्या मच्छर काटते ही आपको डेंगू हो जा रहा है, क्या मच्छर काटते ही मलेरिया हो जा रहा है, क्या मच्छर काटते ही चिकनगुनिया हो जा रहा है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी इंसान को मच्छर काटे, अरे मच्छर काटते, अरे मेरे को डेंगू हो गया, ले वो चक्कर आ रहे हैं, पैर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी भी कितने, वो अगर कर रहा तो ओवर एक्टिंग कर रहा है वो बंदा, ठीक है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है जी। लेकिन अब इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि किस प्रकार से, किस प्रकार से आखिरकार ये इफेक्टिव होता है और किस तरीके से किसी इंसान को मलेरिया का पता चल जाता है। तो देखो बच्चों, जब किसी
किसी इंसान को मलेरिया के मच्छर ने काटा तो ये उसकी बॉडी में एंट्री कर गया। अब हमारी बॉडी के अंदर हमारे पुलिस वाले होते हैं लिम्फोसाइट। हमारे पुलिस वाले कौन होते हैं भाई? लिम्फोसाइट। 6 चैप्टर में अच्छे से पढ़ा चुका हूं। और वो लिम्फोसाइट क्या करते हैं, वो इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और लिम्फोसाइट का काम ही यही है, हमें बीमारी से बचाना। लिम्फोसाइट का काम क्या है? हमें बीमारी से बचाना। लेकिन अगर वो बीमारी से नहीं बचा पा रहे तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि भाई देखो, ये सेल होता तो इसको तो मार के फेंक देते वो, कौन? लिम्फोसाइट्स। लेकिन जो इसके चारों तरफ ये गोल सा देख रहे हो, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, रक्षी परत है, रक्षी परत है, जिसका नाम है सिस्ट। इसका नाम क्या है? सिस्ट। क्या नाम बच्चों? सिस्ट। जो लिम्फोसाइट के अटैक से भी नहीं मर रहा है, लिम्फोसाइट के अटैक से टूट भी नहीं रहा है। तो इसलिए जब तक लिम्फोसाइट, भाई लिम्फोसाइट इनसे लड़ता रहता है, किनसे? सिस्ट से। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इन पे फर्क पड़ जाएगा तब तो हमें मलेरिया होएगा ही नहीं, तब तो हमें डेंगू होएगा ही नहीं। अगर हमारे लिम्फोसाइट इतने स्ट्रांग हो जाए तो हमें कभी, ये जो जितने भी प्रोटोजोआ हैं, कभी जिंदगी में हमें बीमार नहीं कर सकते ये तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हुआ क्या भाई? बीमार पड़ा इंसान, बीमार पड़ा, मलेरिया उसे हुआ। तो होने का रीजन क्या हुआ कि भाई सिस्ट ने कहा कि भाई तुम्हें अंदर जो करना है करो, तब तक तुम्हें बचाने के लिए मैं हूं। किसने कह दी बात? ये बात कह दी भाई सिस्ट ने। ये बात किसने कह दी? सिस्ट ने कह दी। ठीक है जी। तो इसने अंदर ही अंदर क्या किया? इसने अंदर ही अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेल बना दिए। बहुत सारे इसने ऐसे क्या बना दिए? छोटे छोटे सेल बना दिए। ठीक है, ऐसे इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस आ गया। मल्टीपल टाइम इसने अपने आप को बांटा। मल्टीपल टाइम बांटने का मतलब हो गया मल्टीपल फीजन। ठीक है, मल्टीपल फीजन। और इसी तरह जिस तरह न्यूक्लियस बटा, इसी तरह साइटोप्लाज्म भी सब में बट गया। अब ये इतनी बार बटेगा, इतनी बार बटेगा, इतनी बार बटेगा कि भाई जैसे गुब्बारे होते हैं, गुब्बारे में भी अगर ज्यादा बार हवा भर दो तो एक समय बाद क्या हो जाता है? एक्सप्लोर हो जाता है, फट जाता है। तो बस यहाँ पे भी सेम सीन। क्या कि जब ये इतनी बार बटेगा कि पूरा भर जाएगा। और भरने के बाद क्या होगा भाई? ये एक समय बाद ब्रस्ट कर जाएगा, और ब्रस्ट करते ही सारे सेल रिलीज हो जाएंगे। सारे सेल क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। और वो एकदम से हमारे आरबीसी पर अटैक कर देंगे, जिसकी वजह से आप देखते हो कि मलेरिया का पेशेंट क्या होता है कि भाई जब मच्छर ने काटा, एक दो दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दो दिन के बाद उसको भाई मतलब बुखार आने लग गया, पैर में दर्द होने लग गए, हाथ पैर अकड़ने लग गए, बॉडी में दर्द होने लग गया, अचानक से ही। सुबह तक सही था, रात को भाई एकदम से उसको मतलब बेचैनी होने लगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे सेल रिलीज हो गए और एक साथ लाखों की संख्या में जाके आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, या जिस भी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और उससे क्या हुआ? उससे भाई उस इंसान को मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी हो गई। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ क्या करता है? मल्टीपल फीजन करता है, बहुविखंडन करता है। तो रिप्रोडक्शन के अंदर हमने ये देखा कि एक सेल कई सारे मल्टी सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। किसकी वजह से? मल्टीपल फीजन की वजह से। लेकिन सेल कैसा होना चाहिए? यूनिसेल्यूलर। कैसा होना चाहिए? यूनिसेल्यूलर। और इसके जरिए हम लोग भाई रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, फिर इसके बाद एक नया टॉपिक कराता हूं, बडिंग। चलिए अगला देखेंगे, बडिंग।
बडिंग इन हाइड्रा, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रा में मुकुल, हाइड्रा में मुकुलन, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन कैसे होगा बच्चों? जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, ये एक पेरेंट हाइड्रा है। कौन है बच्चों? पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा मतलब कि भाई ये अपने जनक हाइड्रा, मतलब ये अपने मैक्सिमम साइज पे पहुंच चुका है और अपने फेवरेबल कंडीशन पर आ चुका है। ये जो बाल जैसे दिख रहे हैं ये इसके टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है, स्पर्शक कहते हैं इसको, स्पर्शक, और ये इसका माउथ होता है, मुख होता है। और यहीं पे बच्चों बडिंग, बडिंग का मतलब क्या होता है, मुकुलन का मतलब क्या होता है, कि बॉडी के एक हिस्से पे छोटा सा बड निकल जाना। जैसे देखो बुरा मत मानना, लेकिन क्या होता है कि जैसे इसका एग्जांपल देता हूं मैं, कि जैसे हमारी पांच उंगलियां हैं, किसी किसी की देखते हो अब छठी भी आ जाती है, ऋतिक रोशन टाइप, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लांट है, बस ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि सरफेस पे ही एक और चीज, ठीक है, आ गई कोई, यानी कि एक बॉडी पार्ट आ गया, तो वो क्या है भाई, वो आपका बडिंग है। तो इसी तरीके से ये भी होता है कि जब ये पेरेंट हाइड्रा अपने फेवरेबल कंडीशन में आ जाता है तो इसके ही सरफेस पे एक छोटा सा बर्ड उग जाता है, इसके एक छोटे से, यानी इसके ही सरफेस पे क्या हो जाता है, छोटा सा बर्ड निकल जाता है, मुकुल निकल जाता है। और फिर यही बर्ड इसके बॉडी पे ही रह के धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और बिल्कुल पेरेंट सेल जैसा दिखाई देने लगता है। बिल्कुल कैसा दिखाई देने लगता है, पेरेंट सेल जैसा दिखाई देने लगता है। फिर कुछ समय बाद अनुकूल परिस्थिति देख के, फेवरेबल कंडीशन देख के क्या होता है भाई, फेवरेबल कंडीशन देख के क्या होता है कि ये छोटा वाला भी हिस्सा इससे बॉडी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। फिर ये अलग हो जाने के बाद क्या होगा भाई, धीरे 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 ये भी बड़ा होगा, फिर ये भी ऐसे ही प्रोसेस चलाएगा, फिर ऐसे ही अलग होगा, फिर ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा, अलग होता चला जाएगा। लेकिन बडिंग इन हाइड्रा भाई होता किसमें है, सिंपल मल्टी सेल्यूलर में होता है। किसमें होता है, मल्टी सेल्यूलर में होता है, ठीक है, सरल बहुकोशिकीय में होता है। किसमें होता है, सरल बहुकोशिकीय में, ठीक है जी। तो इसमें इतना ही है, जल्दी से नोट कर लो फिर खत्म करते हैं। नोट कीजिए बच्चों इसे। चलिए लास्ट रह गया, मिटा रहा हूं, ठीक है बच्चों। इसके बाद बडिंग खत्म हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, तीन चार टॉपिक, मतलब ये समझ लो हो सकता है असेक्सुअल खत्म करा दूं। अब देखो अगर मैं इसमें लिखवाने लगता ना तो हो सकता है बडिंग आज खत्म होता भी नहीं, फीजन तक ये लिखवाता रह जाता मैं, ठीक है। तो इसलिए बच्चों लिखने का टेंशन हम लोग बिल्कुल भी नहीं पालेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में, और ना ही 14 चैप्टर में, उसमें भी नहीं लिखेंगे, उसमें भी असाइनमेंट दूंगा आपको, यानी नोट्स दूंगा प्रॉपर तरीके से। चलिए करें शुरू। चलो अब क्या है, फिर से बडिंग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट में बडिंग, ईस्ट में बडिंग यानी ईस्ट में मुकुलन। हां जी, क्या होता है ईस्ट? अब देखो आपके घर में छोले भटूरे वगैरह बनते होंगे। अब छोले भटूरे बनने से पहले क्या करते हैं भाई, जब भी छोले भटूरे खाना होता है उससे 3-4 घंटे पहले ही आटे को गूंद के रख लिया जाता है, और आपकी मम्मी उसमें से थोड़ा सा खमीर नाम का एक वर्ड होता है, जो चीज होती है वो मिला देती है। वो खमीर क्या होता है, वो एक प्रकार का ईस्ट होता है, वो एक प्रकार का क्या होता है, ईस्ट होता है। उसको आपकी मम्मी उस आटे में मिला के गूंद लेती है और छोड़ देती है 2-3 घंटे के लिए। लेकिन 2-3 घंटे के बाद वो थोड़ा सा जो आटा होता है वो स्पंजी हो जाता है, बड़ा मुलायम सा हो जाता है, खींचो खिंच जाएगा, छोड़ोगे हल्का सा सिकुड़ जाएगा, पटकोगे तो फिर पहल के फिर वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो इस टाइप से हो जाता है, कभी देखना किसी छोले भटूरे वाले को तो उनका आटा बड़ा स्पंजी सा होता है। तो वो क्यों होता है, क्या रीजन है? तो भाई इसका रीजन है ये कि जैसे मान लीजिए आटे के अंदर हमने मान लीजिए भाई ईस्ट मिलाया, तो कुछ ऐसा होता है,
ऐसे न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस ऐसे इस टाइप से, ये पेरेंट यीस्ट है। अब क्या होगा कि जैसे ही इसको आटे में मिला के गूंद के छोड़ दिया जाएगा, तो सबसे पहले तो ये अपने ही ऊपर, अपने ही सेल के ऊपर एक छोटा सा बड बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? बड बनाएगा, और ये बड में सब कुछ अलग अलग कर देगा, न्यूक्लियस वगैरह ये सब अलग अलग कर देगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये छोटा सा क्या बना दिया इसने, बड बना दिया, फिर क्या होगा, मुकुल बना दिया। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये छोटे वाला हिस्सा तो दो हिस्सों में बट जाएगा, छोटे वाला हिस्सा तो कितने हिस्सों में बट जाएगा, दो हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो बड़े वाला हिस्सा है ये अपने साथ एक चेन बनाएगा। अपने साथ क्या बनाएगा बच्चों? एक चेन बनाएगा। इसीलिए भाई जो ये खमीर वाला आटा होता है, मम्मी को देखना कभी भी, ये कभी भी बचा के नहीं रखते इस आटे को, इस आटे को कभी भी क्या नहीं रखते, बचा के नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि अगर बच्चों उन्होंने बचा के रख लिया ना ये, तो ये अगले दिन तक खट्टा हो जाएगा। क्यों? इतना ज्यादा इसमें ईस्ट पैदा हो जाएगा, इतना ज्यादा इसमें ईस्ट पैदा हो जाएगा कि भाई वो आटा फिर खाने लायक नहीं रह जाता, वो ईस्ट बन जाता, मतलब पूरी तरीके से सोरसी हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। तो ये अचानक से कैसे हो जाता है? क्योंकि शुरुआत में जब हो रहा होता है ये, मतलब बडिंग हो रही होती है, तो इसके छोटे हिस्से एक दो पीस में बदल जाते हैं, तो भाई इतना मतलब बस सिर्फ स्पंजी टाइप बना के छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तो ये इसका बड़ा वाला हिस्सा क्या करता जाता है, लंबी लंबी चेन बनाता चला जाता है। लंबी लंबी क्या बनाता चला जाता है? चेन बनाता चला जाता है, जिसकी वजह से वो ईस्ट आटे के अंदर बड़ी बुरी तरीके से फैलता है, आटा बहुत ज्यादा स्पंजी हो जाता है, और फिर धीरे 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 वो स्मेल करने लगता है। और इसी प्रकार से बडिंग इन ईस्ट पढ़ा हमने कि ईस्ट को जैसे ही हम लोग भाई गूंद के छोड़ेंगे या कहीं भी रखते हैं, तो वो पहले अपने ऊपर बड बनाएगा, बड का हिस्सा दो तीन हिस्सों में बटेगा, जबकि बड़े वाला हिस्सा पूरी की पूरी क्या बना देगा, लॉन्ग चेन ऑफ ईस्ट। क्या बना देगा? लॉन्ग चेन ऑफ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट की लंबी श्रृंखला बना देता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है, और इसी प्रकार से बच्चों ईस्ट के अंदर क्या किया जाता है, बडिंग किया जाता है। और इसी के साथ आपका बडिंग टॉपिक भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ग्राफ्टिंग या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तक लगभग तीन चार टॉपिक मैं आपको खत्म करवा दूंगा। तो अगली क्लास में रेडी रहिएगा, और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।